दोस्तों, मन बड़ा ही चंचल होता है क्योंकि मन हर पल बदलता ही रहता है। मन की शांति बहुत जरूरी होती है क्योंकि जब तक आपका मन शांत नहीं रहेगा तब तक आप किसी भी काम को सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मन को शांत करने के लिए मैं आपको तथागत बुद्ध की एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, एक समय की बात है कि एक बौद्ध मठ में बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। एक दिन बौद्ध भिक्षु एक पेड़ के नीचे बैठकर उपदेश दे रहे थे, तभी उनके पास एक आदमी आया और उसने बौद्ध भिक्षु को झुककर प्रणाम किया और वहीं बैठकर प्रवचन सुनने लगा। जब प्रवचन समाप्त हुए तब वह आदमी बौद्ध भिक्षु के पास गया और बोला कि हे गुरुजी, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं अपने मन से परेशान रहता हूँ। मेरे मन में हर समय कई तरह के विचार आते रहते हैं, जिनमें ज्यादातर विचार नकारात्मक होते हैं। इसलिए हे गुरुजी, इन विचारों को कम करने के लिए मुझे कुछ मंत्र दे दीजिए। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा कि अगर तुम्हारे मन में कई तरह के विचार आते रहते हैं और मन अशांत रहता है तो तुम्हें एक काम करना होगा कि तुम ध्यान करना शुरू कर दो, जिससे धीरे धीरे ध्यान करने से तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वह आदमी बोला कि हे गुरुदेव, मुझे ध्यान करने को मत कहें, मैं ध्यान नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ध्यान करने से मेरे मन में ज्यादातर नकारात्मक विचार आने लगते हैं। तो बौद्ध भिक्षु ने कहा कि तुम चिंता मत करो, ध्यान साधना के प्रथम चरण में ज्यादातर नकारात्मक विचार आते ही हैं, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करने से नकारात्मक विचारों का आना कम हो जाएगा, जिससे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। इतना सुनकर वह आदमी बोला कि हे गुरुजी, ध्यान साधना मेरे बस की बात नहीं है, आप हमें कोई मंत्र दे दीजिए। उस आदमी की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु समझ जाते हैं कि यह आदमी इस तरह से समझने वाला नहीं है। तो उन्होंने कहा, अगर आप मंत्र के लिए जिद कर ही रहे हैं तो मैं आपको एक मंत्र देता हूँ जो आपके मन को शांत कर देगा। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस आदमी को अपने पास बुलाया और फिर उसके कान में कुछ फुसफुसाया और कहा कि आपको इस मंत्र को एकांत जगह में बैठकर जाप करना है और वो भी हर दिन अकेले में ही करना है। अब वह आदमी बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, ठीक है गुरुजी, मैं इस मंत्र का जाप प्रतिदिन अवश्य करूंगा। दोस्तों, जैसे ही वह आदमी जाने के लिए वापस मुड़ने ही वाला था तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, लेकिन एक बात याद जरूर रखना है कि इस मंत्र का जाप करते समय बंदर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, नहीं तो यह मंत्र अप्रभावी हो जाएगा। तो उस आदमी ने कहा कि गुरुजी, मैं बंदर के बारे में क्यों सोचूंगा, मैंने तो अपने पूरे जीवन में कभी भी बंदर के बारे में सोचा ही नहीं है। बौद्ध भिक्षु बोले कि आप इसकी चिंता ना करें, आप तो केवल अपने घर जाकर मंत्र का जाप करें। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वह आदमी वहाँ से चल दिया और वह खुशी खुशी अपने घर वापस लौट आया। तो घर पहुँचते ही वह आदमी एकांत जगह में बैठकर मंत्र का जाप करने लगा और उसने जैसे ही मंत्र का जाप करना शुरू किया तो उसे बौद्ध भिक्षु के शब्द याद आने लगे कि जब आप इस मंत्र का जाप करें तो बंदर के बारे में न सोचें। तो जैसे ही उसे बौद्ध भिक्षु की बातें याद आईं तो उसके दिमाग में बंदर की तस्वीरें नजर आने लगीं। तो वह बंदर के विचारों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जितना ही उसने बंदरों को नज़रअंदाज करने की कोशिश की तो उतने ही बंदर उसके दिमाग में नजर आने लगे और कुछ समय बाद उसका दिमाग बंदरों से भर गया। उस आदमी ने सोचा कि बौद्ध भिक्षु ने मुझे यह निर्देश क्यों दिया, और अगर वह जानता था
कि बंदर एक मुसीबत है तो फिर उसका उल्लेख हमसे नहीं करना था। अब तो मेरे दिमाग में और कोई जानवर नजर नहीं आ रहे हैं। अब मेरे दिमाग के बंदर तो जा ही नहीं रहे हैं। वह आदमी परेशान हो गया। फिर उसने स्नान किया, नए कपड़े बदले और फिर से एक कमरे में मंत्र जाप करने के लिए बैठ गया। जैसे ही उसने आंखें बंद की तो फिर उसे बंदर ही बंदर दिखाई देने लगे। वह जहां भी देखता बंदर उसके चारों ओर दिखाई देने लगते। वह रात को भी बंदरों को देखता, यहां तक कि वह अपने परिवार के सदस्यों के चेहरों में भी बंदरों को देखने लगा। वह आदमी पागल हो रहा था। वह जितना भी बंदरों को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, उतनी ही उसके दिमाग में बंदरों की बातें नजर आ रही थी। यानी कि वह सुबह तक लगभग पागल सा हो चुका था। तो फिर वह अगली ही सुबह वापस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उन्हें सब कुछ बताया और कहा कि गुरुजी, आपने मुझे कैसा मंत्र दिया है। कल तक तो मैंने कभी भी बंदरों के बारे में सोचा भी नहीं था, और जब से हमने आपके द्वारा बताए हुए मंत्र का जाप करना शुरू किया है, तब से मेरा दिमाग पूरी तरह से बंदरों के विचारों से भर गया है और बंदर मुझे एक सेकंड के लिए नहीं छोड़ रहे हैं। इसलिए हे गुरुजी, आप मेरी मदद करें और मेरे दिमाग को इन बंदरों के विचारों से मुक्त करने की कृपा करें। तब बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा कि ठीक है, बस अब तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ जाओ और आराम करो, और मंत्र पढ़ना अब तुम बंद कर दो, अब तुम कुछ मत करो। तो अब वह आदमी बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर निश्चिंत होकर बैठ जाता है। अब थोड़ी देर आराम करने के बाद उसे अपने मन में ऐसा महसूस होने लगता है कि अब उसके दिमाग में बंदर का तो ख्याल ही नहीं आ रहा है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि मानो सब कुछ सामान्य सा हो गया है। तब बौद्ध भिक्षु ने उस आदमी से कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे मन की प्रवृत्ति के बारे में बताना चाहता था, क्योंकि कभी अपने मन से लड़ने की कोशिश मत करना। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि हमारा मन एक बंदर की तरह होता है, जो हर समय बेमतलब इधर उधर उछलता कूदता रहता है। यदि आप इस बंदर मन को बलपूर्वक रोकना चाहोगे तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप जितना अधिक स्प्रिंग को दबाने की कोशिश करेंगे, उतना ही स्प्रिंग अधिक उछलेगा। इसी प्रकार आप जितना अपने मन के विचारों को रोकने की कोशिश करेंगे तो आप उन्हें रोक नहीं पाएंगे। वे विचार उतने ही अधिक और बढ़ते जाएंगे। इसलिए आप ध्यान साधना करते समय शांत रहने की कोशिश करें और अपने मन के विचारों को देखना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे कि आपका मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। इसीलिए मन को देखने के लिए आपको ध्यान करने की आवश्यकता है। दिमाग के विशेषज्ञों का मानना है कि एक इंसान का दिमाग एक ही दिन में 36,000 से 80,000 के बीच नए विचार पैदा करता है। अगर आप इन विचारों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करेंगे तो आप उन्हें रोक नहीं पाएंगे। इसके बजाय इसे रोकने का हर प्रयास ऊर्जा देता है और इससे बचने का हर प्रयास ध्यान बन जाता है। जब आप किसी चीज से बचना शुरू कर देते हैं तो फिर आप उस पर बहुत अधिक ध्यान देने लगते हैं। इसलिए विचारों को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको अपने विचारों को अनासक्त देखना है। केवल आपको अपने विचारों को अनदेखा करना है। हमारे नियमित जीवन में आम तौर पर हम अपने विचारों को देखने में सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन ध्यान में आप अपने विचारों को आसानी से देख सकते हैं।
इसलिए आपको अपने मन को देखने के लिए ध्यान का अभ्यास करने की आवश्यकता है। कुछ लोगों का अनुभव है कि जब वे ध्यान करना शुरू करते हैं तो उनके मन में अधिक विचार आने लगते हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण यह है कि जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में छिपे हुए पुराने विचार ऐसे ही निकलने लगते हैं, जैसे कि अगर आप अपने घर की सफाई करते हैं तो सारा कचरा बाहर निकल आता है। इसी तरह जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं तो दिमाग का सारा कचरा बाहर निकलने लगता है, जिससे आपके मन में अधिक विचार आने लगते हैं, लेकिन आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको तो बस इतना ही करना है कि अपने विचारों को आते और फिर जाते देखते रहना है और अपने ध्यान का अभ्यास जारी रखना है। इससे धीरे धीरे मन का सारा कचरा बाहर निकल जाएगा तो मन अपने आप शांत होने लगेगा और आपके मन में विचार आने कम होने लगेंगे। तो इस प्रकार आप लंबे समय तक ध्यान का अभ्यास करने से आप निश्चय ही अपने मन को बस में कर पाएंगे।